मौसम का उतार चढ़ाव लगातार जारी है। श्रीगंगानगर क्षेत्र में पिछले 6 दिनों में तेजी से बदलते मौसम से आमजन परेशान हो गया है। पहले बारिश के बाद ठंड और फिर पिछले 4 दिनों से तापमान धीरे धीरे बढ़ा और बढ़ता ही गया। मंगलवार को तापमापी का पारा 2 डिग्री चढ़ने के साथ ही अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। 7 दिन में अधिकतम तापमान 15.3 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। उधर मौसम गर्म होने की से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। लोग दोपहर में जरूरी काम होने पर ही बाहर निकले। मौसम विज्ञान विभाग की गुरुवार एवं शुक्रवार को फिर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ की चेतावनी के बाद शाम को तेज हवाएं चलने से तापमान में कुछ गिरावट आई है। बड़ा चिंताजनक है क्योंकि अभी अप्रैल का महीने शुरू हुआ है और शुरू में अगर ये गर्मी अपना रंग ऐसे दिखा रहे हैं तो आगे के महीने में क्या होगा, ये तो बड़ा सोचने विषय है। और जो संबंधित विभाग है, जैसे पानी की समस्या भविष्य में आ सकती है, तो जो संबंधित विभाग है उनके अधिकारियों से मेरा निवेदन रहेगा कि वो जनता के लिए उनकी सुविधा को देखते हुए समुचित व्यवस्था रखे। अप्रैल में इस तरीके की गर्मी है तो जून जुलाई में निश्चित रूप से गर्मी अपना और ज़्यादा प्रकोप दिखाएगी और जो चिंता का विषय है। और मैं तो मांग करूंगा प्रशासन से कि गर्मी को देखते हुए रात कार्य जो है आमजन के लिए वो समय अनुसार प्रशासन को तैयारी रखनी चाहिए। अधिकतम तापमान 43.6 है और ये 17 तारीख को ये टेम्परेचर था 28, उससे लगातार 6 दिनों में ये 16 डिग्री बढ़ गया है।